हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अबाउट मोनोग्राफ। टैक्सोनॉमी में हम मोनोग्राफ्स पढ़ते हैं। मोनोग्राफ जो होता है ये डॉक्यूमेंट होता है, आप समझिए एक बुक होती है, जिसमें प्लांट्स विच बिलोंग टू अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी ग्रुप, जो किसी पर्टिकुलर टैक्सोन से बिलोंग करते हैं, उन सारे प्लांट्स की टैक्सोनॉमिक डिटेल्स भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमारे पास एक मोनोग्राफ एक बुक है, इसको आप खोलेंगे तो इस किताब में किसी टैक्सॉन, कोई फैमिली हो सकती है, जीन्स हो सकता है, कोई क्लास हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, उस टैक्सॉन में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी टैक्सोनॉमिक डिटेल्स दी गई होती है, यानी उनकी क्लासिफिकेशन, उन प्लांट्स की डिस्क्रिप्शन, उन प्लांट्स के का नॉमेनक्लेचर और उन प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन कीज भी होती है। इन्हें कहते हैं हम टैक्सोनॉमिक डिटेल्स। अब टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन जो होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ एनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जैसा अभी मैंने बोला। तो यहां पर इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी जीन्स, और यूजुअली जो मोनोग्राफ्स हैं फैमिली और जीन्स जो है ना, इन कैटेगरीज के लिए लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मोनोग्राफ लिखा जा सकता है फॉर द फैमिली रोजेसी, यानी फैमिली रोजेसी में पाए जाने वाले जितने भी स्पीशीज है उन सबकी टैक्सोनॉमिक डिटेल्स एक डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है और उस डॉक्यूमेंट को फिर कहा जाता है मोनोग्राफ। जैसे मैं यहां पर आप एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां पर लेकर आया हूं, जैसे जीनस पाइंस, ये मोनोग्राफ लिखा था एंटी मिरो ने 1967, जिसमें उसने जीनस पाइंस, जो कि जिम्नोस्पर्म्स का जीन्स है, उस जीनस में पाए जाने वाले जितने भी स्पीशीज है उन सबकी टैक्सोनॉमिक डिटेल्स लिखी एक किताब में, जिसे कहते हैं द जीनस पाइंस, जो कि एक मोनोग्राफ है, क्योंकि मोनोग्राफ यहां पर फोकस करता है किसी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप पर। इसी तरह से वी हैव जीनस क्रिपस बाय ई बी बैबकॉक, इस तरह से ए मोनोग्राफ ऑफ जीनस एविना बाय बी आर बॉम, द जीनस दतुरा बाय ए एफ ब्लैक्सली एट ऑल, ठीक है, द जीनस आयरस बाय डब्ल्यू आर डाइक्स। तो लास्ट की बात करेंगे तो यहां पर जो टेक्सा चूज किया है डाइक्स ने, दैट वॉज आयरस। इस आयरस जीनस में जितने भी स्पीशीज है उन सब स्पीशीज डिटेल्स भी इस डाइगस ने अपनी जो इसने मोनोग्राफ लिखी। अब मोनोग्राफ जो है इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टैक्सोन। तो यहां पर प्लांट्स के नॉमिनिक्लेचर, प्लांट्स के नाम, टाइप्स, डिजिग्नेटेड टाइप्स, टैक्सोनॉमिक कीज दी होती है, एग्जॉस्ट यानी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, एग्जॉस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स के सारे सिनोनिम्स, जो कि रिजेक्टेड नेम्स होते हैं प्लांट्स के, मगर लेजिटिमेट नेम्स होते हैं हालांकि वो रिजेक्टेड होते हैं, साइटेशन ऑफ स्पेसिमेंस एग्जामिन। तो ये जो इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी मोनोग्राफ्स में। तो अगर आप किसी फैमिली या किसी जीनस की मोनोग्राफ खोलते हैं, उस जीनस के सारे या उस फैमिली प्लांट के सारे प्लांट्स की टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोग्राफ्स।